तो भाई लोग आदि पुरुष कितना बेहतर होगी। मूवी को डिले तो कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन कितना बेहतर हो सकती है ये। तो भाई लोग पहले बात को समझो, छोटा भीम कार्टून को आप अपडेट कर करके कितना अपडेट कर लोगे, उसके मुंह के एक्सप्रेशन थोड़े बहुत बदल लोगे, थोड़े बहुत उसके बैकग्राउंड के VFX चेंज कर लोगे, लेकिन उसको आप सुपरमैन नहीं बना सकते। और अगर मान लो ये चीज पॉसिबल भी है तो उनको पूरा शूट रियल में लेना होगा और बॉडी ट्रैकिंग के साथ में पैसा, टाइम, एडिटिंग, इनमें सब में भी बहुत फाड़ू मेहनत जाती है। तो भाई थैनोस और आदि पुरुष एक ही चीज से बने हुए एनिमेशन, बट थैनोस ज्यादा रियल लगता है बिकॉज ऑफ उसमें बॉडी ट्रैकिंग की गई थी और आदि पुरुष में बॉडी ट्रैकिंग की नहीं गई है। और ये जो आगे मैंने चीजें बताई, ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और इनके पास पहले ही पूरा बजट खत्म हो चुका है इनका शूट वूट और ये सब में। तो मेरे को लगता नहीं अब थोड़े बहुत VFX चेंज देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा हमको कुछ इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई एक तो इन लोग का मेरे को समझ नहीं आता, प्रभास ने इतनी सारी फ्लॉप मूवियां दी, इसके बाद भी 150 करोड़ चार्ज किए हैं मूवी में से, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग 250 करोड़ मूवी का खर्चा है, और अब आपको 250 करोड़ के बजट में राम की सेना चाहिए, रावण की सेना चाहिए, पुष्पक विमान चाहिए, हनुमान जी के वो संजीवनी बूटी वाला सीन चाहिए, अयोध्या का सीन चाहिए, राम सेतु चाहिए, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो इनको चाहिए। तो हाउ टू पॉसिबल दैट? तो भाई लोग ऐसा नहीं है कि 250 करोड़ के बजट में ये हो नहीं सकता है, बहुत सारी बॉलीवुड मूवी में ये पॉसिबल हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक्टर की फीस कम होती है। यहाँ तक कि इंडिया में प्रभास की खुद की फिल्म बाहुबली में भी ये चीज हुई है, लेकिन उनके लिए बहुत सारा शूटिंग का टाइम लिया था इन लोगों ने, पैसों का सही जगह यूटिलाइजेशन किया था। और सर जी आपके पास 6 महीना का टाइम है और उसमें भी बजट नहीं है, तो आप क्या क्या कर लोगे इस मूवी में? तो राजा राम के साथ में वानर सेना थी, नहीं कि गोरिल्ला और अजीबोगरीब प्राणियों की सेना। और आदि पुरुष के आने के बाद में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो बना रहे थे कि मैंने ये बनाया है और आदि पुरुष वालों ने ये। भाई जो काम 500 करोड़ के बजट में नहीं हो पाया वो आप 500 रुपये और 5000 के अंदर करना चाहते हो तो कुछ भी कहो भाई, अपने लिए तो रामानंद सागर की वो 90s वाली रामायणी सबसे बेस्ट है, जो फैमिली के साथ में बैठ के हम देखा करते थे।